आप सभी का स्वागत है। बाउनी इमली, शायद आपने यह नाम सुना हो। आखिर यह इमली का पेड़ क्यों शहीद स्मारक के रूप में याद किया जाता है? यह इमली का पेड़ क्यों इतिहास में अमर है? यह घटना है 1857 के क्रांति के समय की, जब 1857 के क्रांति की शुरुआत 10 मई को बैरकपुर छावनी में वीर मंगल पांडे ने किया, जिसके बाद क्रांति की धधक पूरे भारत में फैल गई। 10 जून सन 1857 को फतेहपुर में क्रांति वीरों ने भी इस दिशा में कदम बढ़ा दिया, जिनका नेतृत्व ठाकुर जोधा सिंह अटैया कर रहे थे। इन वीरों ने सबसे पहले फतेहपुर कचहरी एवं कोषागार को अपने कब्जे में ले लिया। मातृभूमि को मुक्त कराने के लिए जोधा सिंह अटैया अंग्रेजों से पांडु नदी के तट पर टक्कर ली। आमने सामने के संग्राम के बाद अंग्रेजी सेना मैदान छोड़कर भाग गई। इन वीरों ने कानपुर में अपना झंडा गाड़ दिया। देश का यह दुर्भाग्य रहा कि वीरों के साथ साथ यहां देशद्रोही भी पनपते रहे हैं। जब जोधा सिंह अटैया अर्गल नरेश से संघर्ष हेतु विचार विमर्श कर खजुआ लौट रहे थे, तो किसी मुखबिर की सूचना पर ग्राम घोरहा के पास अंग्रेजों की घुड़सवार सेना ने उन्हें घेर लिया। थोड़ी देर के संघर्ष विराम के बाद ठाकुर जोधा सिंह अटैया अपने 51 क्रांतिकारियों साथियों के साथ बंदी बना लिए गए। 28 अप्रैल 1858 को मुगल रोड पर स्थित इमली के पेड़ पर उन्हें अपने 51 साथियों के साथ फांसी दे दी गई। यह बिंदकी और खजुआ के बीच स्थित इमली का पेड़, जिसे बावनी इमली शहीद स्मारक के रूप में याद किया जाता है। कहा जाता है क्रांति वीरों को फांसी देने के बाद इस इमली के पेड़ का विकास रुक गया है। सभी क्रांति वीरों को सत सत नमन।